Good afternoon, hello friends, S.H. 3 here, and you are watching your own Science Vatka. Our chapter is Carbon and its Compounds from Class 10 Science. And our topic is Allotropes of Carbon. First, we should have to know what is Allotropes. Allotropes kya hota hai? एलोट्रॉप्स जो है वो वर्ड एलोट्रॉपी से लिया गया है एलोट्रॉपी का मीनिंग क्या होता है एलोट्रॉपिक इज द प्रॉपर्टी ऑफ सम केमिकल एलिमेंट्स टू एग्जिस्ट इन टू और मोर डिफरेंट टर्म्स इन दी सेम फिजिकल स्टेट एलोट्रॉपी जो होता है वो प्रॉपर्टी होता है कुछ केमिकल एलिमेंट्स का जो कि एग्जिस्ट करता है दो या दो से अधिक डिफरेंट फॉर्म्स में और उसका जो फिजिकल स्टेट होगा वो सेम हो जाएगा द एलिमेंट्स कार्बन ऑकर इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर विथ वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट कार्बन है वो भी इसी तरह का है जो नेचर में डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाते हैं और वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज भी वेरिंग कर जाता है बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर फॉर्म्स बाय कार्बन एटम जो डायमंड करता है कार्बन एटम्स अब जो डिफरेंस होता है जो लाइज करता है कार्बन एटम्स जो बाउंडेड एक साथ होता है उसके बीच इन डायमंड कार्बन एटम इज बाउंडेड टू फोर अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग ए रीजिट थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर अब डायमंड में क्या होता है तो ये बहुत ही कठोर होता है क्यों कठोर होता है तो इसके कार्बन एटम्स जो हैं वो बाउंडेड होते हैं चारों कार्बन एटम्स बाउंडेड होते हैं हरेक कार्बन एटम से और फॉर्म करता है रिजिड थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर इन ग्रेफाइट इच कार्बन एटम्स इज बाउंडेड टू थ्री अदर कार्बन एटम्स इन द सेम प्लेन गिविंग ए हेक्सागोनल एरे ये जो देता है ग्रेफाइट में ये हेक्सागोनल एरे देता है वन ऑफ दिस बॉन्ड इज ए डबल बाउंडस एक जो इसका बाउंड होता है वो क्या क्या होता है डबल बाउंड्स एंड दस दैलेंसी ऑफ द कार्बन इज सट सेटिस्फाइड इसीलिए जो वैलेंसी होता है कार्बन का वो सटिस्फाइड होता है ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फाउंड बाय दी हेक्सागोनल एर बीइंग प्लेस्ड इन लेयर वन एव दी अदर ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है एक के ऊपर में दूसरा होता है हेक्सागोनल होता है और एक के ऊपर में दूसरा होता है दिस टू डिफरेंट स्ट्रक्चर रिजल्ट दी डायमंड एंड ग्रेफाइट गिविंग गिविंग वेरी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इवेन थ्रो दे आर केमिकल प्रॉपर्टीज आर दी सेम उनके पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सेम है लेकिन उस उनके पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट है डायमंड इज हार्डेस्ट सब्सटांस नॉन वाइल ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी डायमंड जो होता है वो हार्डेस्ट होता है सबसे ज़्यादा हार्ड होता है और जो ग्रेफाइट होता है वो स्मूथ होता है और स्लिपरी होता है ग्रेफाइट इज ऑल्सो ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अनलाइक अदर नॉन मेटल्स दूसरे नॉन मेटल के अकॉर्डिंग जो ग्रेफाइट होता है वो हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है दैट यू स्टडीड इन दी प्रीवियस चैप्टर डायमंड्स कैन बी सिंथेसिस्ड बाय सब्जेक्टेड प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर डायमंड को सिंथेसिस किया जा सकता है बहुत ही हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे दिस सिंथेसिस डायमंड्स आर स्मॉल बट आर अदरवाइज इनडिस्टिंगबल फ्रॉम नेचुरल डायमंड्स ये जो सिंथेसिस किया हुआ डायमंड्स होता है ये छोटा होता है लेकिन अदरवाइज ये इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं नेचुरल डायमंड से फ्लूडेंस फॉर्म एनोदर क्लास ऑफ कार्बन एलोक्ट्रॉप जो ये फ्लोरेंस है वो अनोदर टाइप्स है कार्बन के फॉर्म्स का द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड सी सिक्सटी विच हैज़ कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन देप ऑफ ए फुटबॉल ये कार्बन एटम है सी सिक्सटी जिसको कि फुटबॉल के सेप में अरेंज किया जाता है सिंस दिस लुक्ट लाइक ए जियो डे डोम डिजाइंड बाई द यूएस आर्केटिक बकमिस्टर फ्यूलर द मॉलिकूल्स वॉज नेम्ड फ्लूरेन जो साइंटिस्ट थे उन्हीं के नाम पे इसका नाम दिया गया फ्लूरेंट अब यहाँ पे है वाट वुड बी दी कार्बन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइ ऑक्साइड का डाइ ऑक्साइड विच है उसका देखेंगे तो कैसे बने, बनेगा इसका तो C, C है मिडिल में सी कार्बन के, के पास कितने रहते हैं इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर फोर ऑक्सीजन के पास कितने रहते हैं सिक्स तो यहाँ पे देख लेंगे सी मिडिल में लिखेंगे ऑक्सीजन दोनों साइड लिखेंगे लिखेंगे तो एक कार्बन क्या करेगा तो ऑक्सीजन के साथ एट का कम्बिनेशन करेगा फिर दूसरे साइड से एट का कंबिनेशन करेगा व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए मोलिकुल्स ऑफ सल्फर विच इज मेडअप ऑफ एट एटम्स ऑफ सल्फर जो एट एटम ऑफ सल्फर तो एक सल्फर एटम का कितना हो जाता है तो एक से uh, uh, यहाँ पे दिया गया दी एट एटम्स ऑफ सल्फर आर ज्वाइंट टुगेदर इन दी फॉर्म ऑफ रिंग ये जितने भी हैं वो रिंग के फॉर्म में ज्वाइंट रहेंगे तो एट जितने भी हैं सल्फर uh, उसका स्ट्रक्चर डालेंगे और ये जो आंसर दिया हुआ है वही उसका आंसर हो जाएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग साइंस वैट का